हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे सुनी, ये चाय तैयार है, जा देखे। ए सुनो, ये सब किसके लिए लेके जा रहे हो? तुमसे क्या मतलब? अरे बच्चे को इतना भड़कना नहीं चाहिए, मैंने तो ऐसे पूछ लिया, जरा चख लूं। हाथ मत लगाना, इसमें आनंद साहब की भी चाय है। आनंद साहब की भी चाय है? प्यार से पिलाना उन्हें, ये उनकी जिंदगी की आखिरी चाय होगी। आनंद अब तक आया नहीं। उसका SMS आया है, बस पहुंचने ही वाला है। पहली मीटिंग है और आज ही लेट। अब चिंता की क्या बात है, आनंद ने जो पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली है। लेकिन अपने पुराने बॉस सुभाष का क्या होगा? सुभाष के बारे में तो आनंद ही आके तय करेगा कि सुभाष को अपनी कंपनी में क्या काम देना है। शायद जब सर आ गए। गुड मॉर्निंग आइए आनंद साहब, हम लोग आपको भी याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे याद कर रहे थे? क्यों भाई, कहीं ये रंजीता मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे नौकरी करनी है भाई। हाँ? मैं तो आपकी सबसे तारीफ कर रही थी, अगर आपके पिताजी आज जिंदा होते आपको मालिक के रूप में देखकर के उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। सब उनका ही आशीर्वाद है और आप लोगों का साथ और सपोर्ट, ऊपर वाले की दुआएं हैं कि जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा। सर हमारा सपोर्ट तो हमेशा से आपके साथ है। हम लोग तो आपके साथ ही हैं सर। आनंद सर क्या बात है, हम सभी लोगों के लिए कॉफी और आपके लिए स्पेशल चाय। भाई सुनील ने पता लगा लिया है कि मैं सिर्फ चाय का मरीज हूँ और वो भी अदरक वाली। सर जो हो नहीं सकता था वो काम आपने कर दिखाया, सुभाष से कंपनी खरीदी, हुआ कैसे इतनी जल्दी? दरअसल ये बात, अरे ये कंपनी इसने कैसे खरीदी है चोर क्या बताएगा, मैं बताता हूँ इसने ये कंपनी कैसे खरीदी। इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया इसने। आनंद मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी भर की कमाई तू छीनना चाहता है। देख सुभाष, सुभाष तू इतना ड्रामा क्यों कर रहा है यार, पैसे तो तुझे मिल गए ना। करोड़ों की कंपनी की कीमत 25 लाख रुपए, सिर्फ 25 लाख। ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले तेरे 25 लाख रुपए, ये ले, ऐसे पैसों पे थू। देख सुभाष, पत्थर पर लकीर खींच देने से और लकीर मिटती नहीं, और इस तरह चेक को फाड़ देने से सच्चाई कभी छुपती नहीं। और देख मैं दिखाता हूँ, ये है ना वो कागजात जिस पे तूने साइन किए थे, और अपने हाथों से तूने ये कंपनी मेरे नाम की थी। ये साइन तूने मुझसे धोखे से लिए थे, ये साइन तूने धोखे से लिए थे, जो हुआ सो हुआ। ये चेक भी फट गया, ये पेपर भी फट गया, अब से ये कंपनी वापस मेरी। सुना तुम लोगों ने, ये कंपनी वापस मेरी। ये फोटोकॉपी है, इसे फाड़ने से तेरी किस्मत नहीं बदलने वाली। अरे वैभवी जी जरा अपने पार्टनर को समझाइए ना, बिजनेस एथिक्स में कोई चीज होती है। तू सिखाएगा मुझे बिजनेस एथिक्स? देख सुभाष अपने औकात में आ। सुभाष छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो सुभाष? मैं इसका खेल अभी यही खत्म कर दूंगा। खेल तो मैं तेरा खत्म करूंगा सुभाष। चुपचाप दो पैरों में चला जा, वरना चार कंधों पे चढ़ेगा तू। आनंद सर आपके पास बंदूक? हाँ मेरे पास बंदूक है। जब बिजनेस में ऐसे मच्छरों से सामना होता है ना, तो ऐसे खिलौने हमें रखने ही पड़ते हैं। तू क्या समझता है मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? मेरी कंपनी हथियाने के लिए तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। तो ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो। आनंद सुभाष जी। सर 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 ये कैसे हो गया? चलिए उस तरफ चलिए, एक तरफ आइए, सब लोग इधर खड़े होइए प्लीज। गोली सीने पे मारी है सर। सर पलटाओ इसे।
जी, कहीं पर भी एग्जिट वुंड तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब है गोली शरीर के अंदर ही है। सर, मतलब सर गोली पॉइंट ब्लैंक नहीं मारी गई है। कमरा तो काफी बड़ा है, किसी ने दूर से फायर किया है। बताइए क्या हुआ यहाँ, कैसे हुआ ये सब, बताइए। सर ऐसा दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। किसने चलाई गोली? आनंद ने। आनंद सर ने? आनंद ने अपने आप पर गोली चलाई? क्या आत्महत्या की आनंद ने? नहीं सर, वो आनंद मुझ पर गोली चला रहा था सर, शायद गन उल्टी चल गई और गोली उसी को लग गई सर। उल्टी गोली चल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? हैं सर, ऐसी गन तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है जिसकी गोली पीछे से भी चलती है। रेडी, फिल्मों में और असली जिंदगी में बहुत फर्क है समझे। ये गन एक ही तरफ चलती है, एक ही तरफ। तो बताइए क्या हुआ था, बताइए। सुभाष सर आनंद सर पे धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे और दोनों में झगड़ा भी हो रहा था सर। इसी बीच गुस्से में आनंद सर ने गन निकाली, गन की गोली खुद आनंद सर को लगी। इसका मतलब है सुभाष और आनंद के बीच में छीना झपटी हुई है ना? नहीं सर, वो आनंद ने जब गन निकाली सर, तब कोई छीना झपटी नहीं हो रही थी सर, मैं तो दूर खड़ा था सर। पर तो ये कैसे हो सकता है, आनंद की गन तुम्हारी तरफ थी, उसकी नोक तुम्हारी तरफ थी, तो गोली उनको कैसे लग गई? यही हुआ है सर, हम सबने देखा है सर, आनंद की मौत में सुभाष का कोई हाथ नहीं है सर। सर, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंद की गोली रिकोशे होके इसे वापस लग गई? ये जब हुआ तब आनंद कहाँ खड़ा था? यही खड़ा था सर। यहाँ पर? और तुम सुभाष, तुम कहाँ खड़े थे? मैं सर बस ये इसके सामने सर, यहाँ खड़ा था सर। यहाँ आनंद के सामने? जी सर। अभिजीत, अगर आनंद गोली वहां से चला था तो सीधे इसी दिशा में आती गोली, मगर यहाँ पर कहीं पर भी गोली का कोई निशान नहीं। मतलब सर गोली किसी से टकरा के नहीं लगी? पूरी गोली इसी कमरे में से चली है, इसी कमरे में से, और वो भी जरूर इनमें से ही किसी ने चलाई है, इन्हीं में से किसी ने चलाई है। हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? आनंद सर की दुश्मनी तो सिर्फ सुभाष सर से थी। मगर सुभाष तो आनंद के सामने खड़ा हुआ था, नियत था, वो कैसे गोली चला सकता है? एग्जैक्टली, जब आनंद ने गन तानी थी सुभाष पर, तो उसी मौके का फायदा उठाकर तुम में से किसी ने आनंद पर गोली चलाई और आनंद मर गया। ये क्या कह रहे हैं सर, हम सब आनंद सर के साथ बहुत खुश थे और कंपनी की तरक्की की खुशियां आपस में बांट रहे थे, और शायद यही खुशियां किसी को हजम नहीं हुई। रेडी, सबकी तलाशी ले लो, देखो किसके पास गन है। सर अब एक दूसरे की तलाशी लीजिए, चलिए चलिए जल्दी। नहीं सर। नहीं सर, किसी के पास भी गन नहीं है। अभिजीत, रेडी, एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, और अभिजीत हो सकता है इनमें से किसी ने भी गन बाहर फेंक दी हो, तो चेक करो बाहर। सर, हाँ। नहीं सर, बाहर तो कहीं गन निकली नहीं है। सर यहां पे भी गन नहीं है। जब आनंद की मौत हुई तब तुम में से कोई बाहर गया था? नहीं सर, सीधा हम लोगों ने आपको फोन किया और यहां से किसी को जाने भी नहीं दिया। अच्छा, तो फिर ये गन गई तो गई कहां? तारिका मिला कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक बार फिर ट्राई करें। अरे यार, दो बार तो ट्राई कर चुके हैं तारिका, आखिर इसमें कुछ दिखाई देता क्या नहीं है? चलो एक काम करो, इसकी बॉडी में से जो खून मिला है ना, उसके टेस्ट पूरे कर लो, मैं एक बार और स्कैन करके देख लेता हूँ। ओह माय गॉड, मिला कुछ सर? अरे हाँ, ये देखो, ये छोटे छोटे टुकड़े लोखंड जैसे। राइट,
अब पता चल जाएगा असल में ये है क्या, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े या कुछ और। तरीका देखो तारिका, ये वाकई एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है। मैं काम करो, वो जो ब्लड टेस्ट कर रही थी ना उसमें लग जाओ, मैं और टुकड़े निकाल कर आता हूँ। कुछ मिला क्या डॉक्टर? हाँ ये क्या है? लोहे का छोटा सा टुकड़ा। लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में? हाँ, लोहे का टुकड़ा आनंद के शरीर में, वो एक नहीं कई सारे, ये देखो। पर इसे तो गोली लगी थी ना, गोली मिली क्या आपको? गोली नहीं मिली। गोली नहीं मिली? दो तीन बार स्कैन कर लिया, गोली तो कहीं नहीं मिली। डॉक्टर साहब, इसकी लाश रिसोर्ट से सीधे यहाँ पे आई है, तो क्या किसी ने गोली रास्ते में निकाल ली? पता नहीं। आपको इसके शरीर में कोई घाव मिला जहाँ से कोई गोली निकाली जा सके? ऐसा कोई घाव नहीं। अरे तो फिर गोली गई कहाँ? यार कह रहा हूँ नहीं मिली गोली, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। शायद गोली लुढ़कते हुए शरीर के किसी दूसरे कोने में पहुंच गई। विवेक, या कांच की गोली नहीं है यार, रिवॉल्वर की गोली है, ऐसे शरीर से नहीं जा सकती है यार। अगर गोली शरीर के अंदर है तो फिर आपको मिली क्यों नहीं? आई डोंट नो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सर आनंद के खून में से हमें लिक्विड निकोटिन मिला है। व्हाट? लिक्विड निकोटिन? ये तो एक किस्म का जहर होता है, इतना खतरनाक जहर के शरीर में दो तीन बूंदे भी चली जाएं तो इंसान खत्म। ये लो। अब एक नई बात, इसकी मौत जहर से हुई है या गोली से? और अगर गोली से हुई है तो गोली कहाँ है? पता नहीं गोली कहाँ गई, मैं इसकी गोली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिजीत, गोली कहाँ है ये तो हम ढूंढ रहे हैं, तब तक आप ये पता लगाइए कि आनंद के शरीर में लिक्विड निकोटिन आया कहाँ से। लिक्विड निकोटिन, ठीक है हम लोग ढूंढते हैं, तब तक आप ढूंढिए वो गोली कहाँ है। आनंद के शरीर में निकोटिन गया कहां से होगा? सर पता चल गया आनंद सर को किसने मारा? हाँ पता चल गया है। चल गया? जहर ने मारा है उसे। क्या कह रहे हैं आप, हम सबके आंखों के सामने गोली मारी गई है उनको, तो जहर से कैसे मौत हो सकती है? हाँ ये ठीक है कि गोली लगी है उन्हें, लेकिन मौत जहर से ही हुई है। एक बात बताइए, मौत से पहले आनंद ने कुछ खाया पिया था? सर खाया तो कुछ नहीं था, लेकिन चाय पी थी। चाय? तो क्या जहर चाय में था? तुम लोगों में से और भी किसी ने चाय पी होगी ना? नहीं सर, बाकी लोगों ने कॉफी पी थी। सिर्फ आनंद ने ही चाय पी थी? जी सर। किसने पिलाई थी चाय उसे? सुनील ने, वो ही चाय पिलाता है उन्हें। सुनील? ये सुनील कहाँ मिलेगा? अरे साहब, आप लोग हमारी दुकान की चाय पियेंगे क्या? नहीं पी सकते क्या? आनंद भी तो तुम्हारी दुकान की चाय पीता था। आनंद? हाँ आनंद, जिसकी मीटिंग थी रिसोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत बुरा हुआ साहब। हाँ बुरा तो हुआ, तुम्हारा सुनील ही लेकर गया था ना चाय आनंद के लिए। हाँ साहब। सुनील से कुछ पूछना है। आप तो CID वाले हैं ना? हाँ। तो आप लोगों को सुनील से क्या काम? मेरा मतलब है उसने कुछ गड़बड़ की है क्या साहब? हाँ की है, शायद आनंद की चाय में उसने जहर मिला दिया उसने। क्या आनंद साहब की चाय में जहर? हाँ जहर, लिक्विड निकोटिन। बात छोड़ो, ये बताओ सुनील कहाँ है इस वक्त? वो सुबह चाय लेके गया फिर वापस ही नहीं आया साहब, न जाने कहाँ गायब हो गया। सुबह से गायब है? तो तुमने पूछताछ नहीं की उसके घर वालों? मैं उसके घर गया था मगर वो वहाँ भी नहीं आया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो सुनील को बचाने के लिए? अरे नहीं साहब, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा, और वो भी आप लोगों से। अभिजीत दुकान चेक करो, देखो जहर लिक्विड निकोटिन छुपा के रखा है क्या? अरे साहब क्या, अरे मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इधर आ रहा हूँ। चुपचाप खड़े हो जाओ, चलो। इसको कुछ नहीं मिलेगा साहब। चुप। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था साहब कि कुछ नहीं मिलेगा। देखो सुनील के बारे में कुछ भी पता चले तो फौरन हमें खबर करना, उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फोन करके भागा है समझे? जी साहब। सर जैसे ही आनंद की मौत हुई है वैसे ये सुनील भी गायब है, यहाँ से भी गायब है और घर भी नहीं पहुँचा है। और फिर सुनील जैसे चाय वाले छोकरे की
आनंद जैसे बड़े आदमी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये सुभाष गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है उसने पैसे दिए हों इसे चाय में जहर मिलाने के लिए। हो सकता है। अभिजीत कैसा खून लगता है? सर खून ही लग रहा है सर। अभिजीत बहुत खून है। माय गॉड लाश कहीं सुनील तो नहीं? गोली लगी है सर। बिल्कुल सिर पे है, लगता है ये पहले ऊपर खड़ा होगा। गोली उसे ऊपर खड़ा था तभी लगी, फिर गोली लगने पर ये नीचे गिरा है। शायद ये सुनील ही है अभिजीत। चाय वाले को बुला। अरे सुनो जरा, इधर आओ। जी साहब। लाश, लाश साहब। क्या ये सुनील है? हाँ साहब, ये सुनील की लाश है। ये कैसे हो गया साहब? एक एक मिनट, आप जरा ऊपर जाके खड़े हो जाइए, उधर प्लीज जाइए। सर इसको भी गोली लगी है और वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आनंद को भी। एक गोली अंदर चली है, एक गोली यहाँ बाहर, दो दो गोलियां चली है क्या? अगर दो दो गोलियां चली है तो यहाँ पर जितने सारे लोग थे उन्होंने तो सिर्फ एक ही गोली चलने की आवाज सुनी थी। दूसरी गोली चलने की आवाज क्यों नहीं सुनी? एक ही गोली चली, एक गोली और दो दो लाशें, और गोली भी ऐसी जो अब तक मिली ही नहीं है, जैसे हवा में गायब हो गई। एक गोली और दो दो लाशें। कहिए सालुंके साहब, कुछ पता चला? अभिजीत एक बात तो पक्की है, इस सुनील को आनंद ने मारा है। क्या? सुनील को आनंद ने मारा है? हाँ। ये देखो, ये जो गोली हमें मिली है ये इस गन से चली, और ये गन उस वक्त आनंद के हाथ में थी। क्या डॉक्टर साहब, अभी तक आप वो गोली नहीं ढूंढ पाए जो आनंद के शरीर में थी, उसके ऊपर से एक और दिमाग घुमा देने वाली बात कर दी आपने। अरे यार, इसमें दिमाग घुमा देने वाली क्या बात है भाई, जो है सो है। पर सर आनंद तो कॉन्फ्रेंस रूम में था और सुनील की लाश हमें बाहर से मिली। हाँ, आनंद ने तो सुभाष पे गोली चलाई थी ना। सुभाष पर चलाई जरूर, लेकिन वो गोली जाकर के लगी सुनील, जो उस वक्त बाई चांस उस कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से गुजरा। तो ऐसा हुआ होगा कि जिस वक्त आनंद ने गोली चलाई ठीक उसी वक्त किसी ने आनंद पे गोली चलाई। आनंद की गोली जाके लगी सुनील को और उस आदमी की गोली लगी आनंद को, और लोग ये समझते रहे कि आनंद अपनी गोली से मारा गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चलो एक बात तो साफ हो गई कि आनंद अपनी गोली से नहीं मरा है, लेकिन उस चाय के कप का क्या हुआ जिसमें इस सुनील ने आनंद को चाय दी थी? हाँ, वो तारिका जी टेस्ट कर रही। सर क्या है? सर ये सुनील बेचारा तो मामूली चाय देने वाला लड़का था, किसी ने इसे खरीद लिया होगा सर पैसे देकर। और सर इस सुनील ने आनंद की चाय में जहर मिला के उसे पिला दिया होगा। नहीं, सुनील ने आनंद को नहीं मारा है। क्या? सुनील ने नहीं मारा? नहीं, लिक्विड निकोटिन इस चाय में है ही नहीं। तो फिर वो जहर आनंद की बॉडी में आया कहाँ से? जहर आनंद के शरीर में कहीं और से आया है। सर यानी ये सुनील बेचारा बिना वजह ही मारा गया। गलत वक्त पे गलत जगह पे था बेचारा, इसका मतलब वो खूनी अभी भी वहीं पे है। आप और कब तक हमें यहाँ रोक के रखेंगे? कम से कम मुझे तो जाने दीजिए। जब तक आनंद का खूनी नहीं मिलता यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। अगर खूनी 6 महीने तक नहीं मिला तो? CID को कभी इतना टाइम नहीं लगा है केस सॉल्व करने के लिए, थोड़ा इंतजार तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। देखिए आपका आधा केस तो वैसे ही सॉल्व हो चुका है, आपके इंस्पेक्टर खुद कह रहे हैं कि सुनील की मौत आनंद सर की गोली से हुई। लेकिन वो गोली नहीं मिली है जिससे आनंद की मौत हुई है, समझे? फिर गोली? कुछ देर पहले आपने ही तो कहा था कि आनंद सर की मौत जहर से हुई है। जहर से भी हुई है और गोली से भी, उसकी छाती पे गोली का निशान था, तो कहाँ गई गोली, किसने चलाई गोली? हमें कैसे पता होगा सर, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी बीवी बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं,
प्लीज सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, पहले हम आप सबका टेस्ट करवाएंगे। कैसा टेस्ट? गन पाउडर टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलेगा कि किसने गोली चलाई है। जिसने भी गोली चलाई है उसके हाथ पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलेंगे। फ्रेडी सर, हम लोग गन पाउडर टेस्ट कर तो रहे हैं मगर ऐसा लगता है गोली शायद कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर से चली है। तभी तो आनंद के शरीर में गोली आर पार नहीं हुई। ना गोली आर पार हुई ना शरीर के अंदर भी मिली। और वॉचमैन तो कह रहा था कि बाहर से कोई आया ही नहीं आदमी अंदर। अभिजीत, गोली बाहर से ही चली है। बाहर से ये देखो, यहां से वो जगह बिल्कुल साफ नजर आती है जहां पर आनंद खड़ा था। यस सर। गोली चलाने वाला यहां से लेकर इतनी जगह में कहीं तो खड़ा होगा। हाँ सर, मगर इतने खुले जगह में अगर आदमी खड़ा था तो फिर उसे ना तो वॉचमैन ने देखा और ना चाय वाले ने। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ वही तो, किसी ने तो देखना चाहिए था, वॉचमैन नहीं तो चाय वाला। और ना वहां अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, कि जिसने भी गोली चलाई है उसने राइफल से गोली चलाई है, वो भी चुपके। ऐसा दूरी के हिसाब से तो राइफल से ही गोली मारी होगी। हाँ, इसका मतलब है वो या तो कोई शार्प शूटर या स्नाइपर। SMS आया सर, डॉक्टर तारिका। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि डॉक्टर तारिका ने वो बुलेट ढूंढ निकाली है। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि जो होना होता है वो होके रहता है, फिर चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले रोकने की। जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम तारिका जी कर सकती है। अरे कुछ स्मेल सी आई किसी के जलने की। कोई गोली गोली नहीं मिली है। गोली नहीं मिली? अरे मगर डॉक्टर तारिका, आपने SMS किया था ना कि गोली मिल गई है। गोली मिली है। ये देखिए। नहीं भी मिली। हाँ? सर, गोली मिली है। नहीं मिली भी तो कह सकते हैं ना तारिका। सालू के साथ एक बात बोलिए, मिली या नहीं मिली? एक बात ये है कि गोली नहीं मिली। लेकिन गोली का राज जरूर पता चल गया। हाँ, ये जरूर पता चल गया कि वो गोली शरीर में कहाँ गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? आइए बताता हूँ। ये देखिए, ये दो गोलियां देख रहे हैं आप। ये पहली वाली बुलेट साधारण बुलेट है जो जनरली गन्स में इस्तेमाल होती है। और ये डॉक्टर साहब, ये जो नीचे वाली गोली है इसकी नोक खोखली है। एग्जैक्टली, यही तो फर्क है इन दोनों गोलियों में। दिस इज द डिफरेंस। और इस आनंद का खून इस नीचे वाली गोली से हुआ है। डॉक्टर साहब, किस तरह की गोली है ये? दमदम। दमदम बुलेट? हाँ भैया। और इसका नाम दमदम बुलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका आविष्कार कोलकाता के दमदम एरिया में हुआ था 1870 में। एक मिनट। कहीं ये गोली शरीर के अंदर जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तो नहीं बढ़ जाती? इसीलिए आनंद के शरीर में से हमें गोली नहीं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े मिले। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा मुझे। दरअसल ये दमदम गोली शरीर के अंदर जाकर के फट जाती है और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े शरीर में फैल जाते। अच्छा, ये गोली राइफल में से चल सकती? हाँ चल सकती। ओके, फिर तो इसे गोली कॉन्फ्रेंस रूम के सामने से ही मारी है। मुझे तो एक बात और लगती है अभिजीत, मुझे लगता है इस आनंद के शरीर में जो जहर गया है ना वो भी इस गोली के जरिए ही गया है। गोली से जहर? बिल्कुल। दरअसल खूनी ने इसकी नोक पर खाली जगह पर जहर लगा दिया ताकि अगर ये आनंद गोली से ना मरे तो उस जहर से जरूर मर जाए। दमदम बुलेट। जी है ना घर में? जी सर। उनको बता दीजिए CID वाले। जी।
मैडम सीआईडी वाले हैं। माफ कीजिएगा, आपको इस समय परेशान कर रहे हैं। कुछ पता चलो? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप मेरे पति को तो वापस नहीं ला सकते ना? देखिए हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर ऐसा कौन कर सकता है यही सोच रहे हैं हम। कभी किसी की इंसल्ट की उन्होंने? आई मीन अनजाने में किसी को डांट वांट दिया हो? उन्हें गुस्सा बहुत आता था। गुस्सा बहुत जल्दी आता था? बात बात में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाते थे। गुस्से में शायद किसी का दिल दुखा दिया हो? नहीं पता, हुआ भी होगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब कॉल्स आ रहे थे। उल्टे सीधे कॉल्स? किस तरह के कॉल्स? पता नहीं, लेकिन जैसे ही कॉल आता था वो बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत गुस्से में बात करते थे। फोन कौन कर रहा था आपको कुछ पता है? नहीं। आपने पूछा नहीं? वो मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे, लेकिन हाँ कल रात को भी कॉल आया था। कल रात को भी आया था? जी हाँ, उन्होंने फौरन आशीष को कॉल किया, कुछ काम करने के लिए कहा सुबह से पहले। ये आशीष कौन है? आशीष आनंद के पीए है। ये आशीष फिर सुबह आए? जी नहीं। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। ये आनंद ने आशीष को किस काम के लिए बुलाया था कि सुबह से पहले आ जाओ? साहब आज सुबह जब आनंद साहब कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे तब कार में उनको किसी का फोन आया था और फोन पर ही उनका झगड़ा हुआ था साहब। अच्छा, किसका किसका फोन था? अब ये तो मुझे नहीं मालूम साहब, पर आनंद साहब फोन पर बात सुनते ही बहुत भड़क गए और जोर जोर से कहने लगे तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम लोगों को जो करना है कर लो, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। सर मैंने आनंद के मोबाइल को अच्छी तरह से चेक किया है सर, पिछले दो दिनों में सबसे ज्यादा फोन या तो आशीष के नंबर से आया है या फिर सुभाष के नंबर से। सबसे ज्यादा फोन आशीष और सुभाष के फोन से आए हैं? तो क्या है धमकी भरे फोन सुभाष दे रहा है आनंद को या फिर आशीष? लेकिन आशीष फोन क्यों करेगा, कैसे करेगा? वो तो आनंद का पीए, दिन भर आनंद के साथ ही रहता था। और हैरानी की बात यह है सर कि आशीष के सभी कॉल्स की ड्यूरेशन 5 या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है। 5 और 10 सेकंड से कम? इतने कम समय में क्या बात कर रहा होगा वो आनंद के साथ? ये तो पता नहीं सर, मगर सर आशीष ने आनंद को एक SMS भेजा था जो उसने आनंद को कल दोपहर 12:30 बजे भेजा था। दोपहर 12:30 बजे? लेकिन सर आनंद की मौत तो 11:30 बजे हो गई थी, इसका मतलब आशीष को ये पता नहीं था कि आनंद मर चुका है। और शायद अभी भी पता नहीं होगा कि आनंद की मौत हो चुकी है। क्या मैसेज भेजा था आशीष ने आनंद को? दिया सर, आशीष ने लिखा है कि सुभाष की कंपनी की डील मत लीजिए, इसकी वजह मैं आपसे मिलके बताऊंगा। मतलब आशीष आनंद को रोक रहा था सुभाष की कंपनी टेक ओवर करने से? क्यों सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीष को पहले से ही पता था कि आनंद पर जानलेवा हमला होने वाला है इस डील की वजह से? जरूर कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, कुछ ना कुछ तो राज छुपा है इस केस के पीछे। आशीष को फोन लगा? तो मैंने फोन किया था, मैं कोई फोन उठा नहीं रहा है, इसलिए अभिजीत और विवेक गए हैं उसे मिलने के लिए। आशीष फोन उठा नहीं रहा है? सर इस आशीष का ना तो फोन लग रहा है और ना ही वो सामने आ रहा है। ऐसा आदमी कब करता है जब आदमी ने गुनाह किया हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। ताला लगा है सर, घर में भी नहीं है। ताला लगा के भाग गया है। खोलो ताला, खोलो। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा टैम्परिंग किया गया है सर, ऐसे लग रहा है कि किसी ने ताले को निकालने की कोशिश की थी। ताले के साथ साथ पूरा कब्जा निकालने की कोशिश की गई है। एक मिनट विवेक, अंदर कुछ आवाज आ रही है ना? टिक टिक आवाज आ रही है। टिक टिक की आवाज मतलब समझे? सर बॉम्ब, इस दरवाजे के पीछे बॉम्ब लगाया हुआ है। माय गॉड, जरा देखो अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? यस सर। सर इस मेन डोर के अलावा अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है सर।
ये खिड़कियां भी बंद है, अंदर का कुछ दिख भी नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि बॉम्ब एग्जैक्टली कहाँ पे है और कितना बड़ा है। अब क्या करें सर? फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी सर? हाँ फोटोग्राफी। ये जो अपने पास एरियल कैमरा है ना, वो लेके आओ। ये कैमरा ऑन करो। इसे जो भी शूट करेंगे हमको इसके अंदर दिख जाएगा स्क्रीन में। या करेक्ट, ऑन हो गया है। दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप है, ये कैमरा इसके अंदर डालो और बम को लोकेट करने की कोशिश करो। हाँ लेफ्ट लेना, लेफ्ट और आगे, और आगे थोड़ा ऊपर लेना, थोड़ा और उधर। क्या? या करेक्ट, यहाँ पे है बम। दरवाजे के ठीक पीछे ही लगा के रखा हुआ है। माय गॉड, बाल बाल बच गए। दरवाजे को खोलने की कोशिश करते सीधा ऊपर चले जाते हैं। सर आशीष भी कमाल का आदमी है सर, खुद तो गायब है और हमें भी ऊपर पहुंचाने का इंतजाम करके गया। पता नहीं ये बॉम्ब आशीष ने रखा है या फिर किसी और ने रखा है आशीष के लिए, ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा। एक बात है विवेक, बॉम्ब का साइज बहुत छोटा सा है, अगर ये फटेगा तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 फीट का नुकसान होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। गुड, संभाल के। विवेक जरा ध्यान से देखना, कोई लाश तो नहीं है? यस सर। सर लाश तो कहीं दिख नहीं रही है, सामान ही है। थैंक गॉड। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बॉम्ब आशीष ने नहीं लगाया है और वो खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हाँ अभिजीत, क्या हुआ? आशीष के घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अच्छा तुम दोनों ठीक हो ना, तुम और विवेक? ठीक है, हम देखते हैं, मगर तुम सावधान रहना। ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत का फोन था, आशीष के घर में किसी ने बॉम्ब रखा। तो क्या आशीष मर गया सर? नहीं आशीष मरा नहीं, वो घर पर ही नहीं था, लेकिन अभिजीत पता लगा रहा है किस तरह का बॉम्ब था। लगता है ये खूनी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पहले वो गोली, वो दम बुलेट, उसके बाद में लिक्विड निकोटीन और अब ये बॉम्ब ब्लास्ट। लगता है इस आनंद की मौत के पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और अभिजीत को ऐसा भी लग रहा है कि आशीष किसी बड़ी मुसीबत में है। ओह गॉड, इन गुंडों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? आनंद सर भी फोन नहीं उठा रहे, एक बार फिर ट्राई करता हूँ। मेरा नहीं है सर। मेरा भी नहीं है। उनका बजा है, ड्रॉ चेक करो। यही बज रहा है सर। आशीष का फोन है। कालो ले लो फोन, स्पीकर ऑन करो। आनंद सर, सर मैं आशीष बोल रहा हूँ सर, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। हेलो 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 सर, हेलो 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 सर, हेलो। कट गया सर। आशीष जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, अभी जी सही कह रहा था। निखिल मोबाइल कंपनी से पता लगाओ आशीष का फोन कहां पर है, जल्दी चलो। हम सब इतने लोग फिर भी हाथ से निकला जा रहा है, पंख काट दूंगा उसके अगर हाथ आ गया तो। एक बार सिर्फ हाथ में आ जाए। चलो आगे देखते हैं। चलो। गाड़ी की आवाज, गाड़ी की आवाज। हेल्प हेल्प, कोई तो बताओ, हेल्प हेल्प। रुको रुको, Oh!
हूं। ठीक है, पकड़ो उन्हें। सर, ए, रुक, चलो भागो, भागो। तुम आशीष हो ना? वो आनंद सर। आशीष, आनंद की मौत हो चुकी है। आनंद, आनंद सर की। आशीष, आशीष, बोलो। स्मगलिंग, 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 बोलो, बताओ। स्मगलिंग। आशीष, आशीष, आशीष। मर गया? आशीष कुछ बता रहा था, कुछ कहना चाह रहा था, तो देखो चेक करो उसे अच्छी तरह से, देखो कपड़ों में कुछ है क्या। क्या देखो? वॉलेट के अंदर खास कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे सर। फिर आशीष कुछ बता रहा था, कुछ तो है, कुछ तो चेक करो अच्छी तरह से। बेल्ट निकालो, बेल्ट निकाल कर देखो। ये क्या है? निकालो बाहर। बेल्ट के नीचे केबल। देखिए, आशीष जरूर इसी के बारे में कुछ कहना चाहता था। एक मिनट, ये क्या है? कॉपर वायर भी है और उसके साथ साथ ये तो चांदी लगती है, सिल्वर है ये। आशीष यही तो नहीं बता रहा था कि स्मगलिंग, स्मगलिंग मतलब चांदी की स्मगलिंग हो रही है। केबल के अंदर चांदी की स्मगलिंग? हाँ फ्रेडी, कॉपर के साथ साथ चांदी की स्मगलिंग। सर, हाथ से निकल गया सर। कोई बात नहीं, ये आशीष आनंद का पीए था और आनंद ने सुभाष की फैक्ट्री खरीद ली थी, तो कहीं ये ऐसी वाली केबल चांदी के वायर के साथ सुभाष के फैक्ट्री में तो नहीं बन रही थी। कहीं इन सब के पीछे सुभाष तो नहीं है? रेडी, यही हो सकता है कि सुभाष का गोडाउन चेक करते हैं। आप लोग कौन है साहब और ऐसा अंदर क्यों घुसे चले आ रहे? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ साहब? तुम्हारे गोडाउन की तलाशी लेनी है हमें। तलाशी? रेडी, निखिल वहां पे खड़े हो जाओ, चुपचाप हिलो मत यहां से। देखो एक एक केबल, एक एक रोल चेक करो अच्छी तरह से। सर, ये देखिए सर, इसमें भी चांदी है। इसका मतलब है हमारा शक सही निकला। सर, इसमें भी है। सभी रोल में चांदी है फ्रेडी। मैं मालूम था यहाँ पर चांदी की वायर बनकर केबल में डाली जाती है। नहीं मालूम था साहब। वो चांदी यहाँ से केबल के अंदर से स्मगल होती है, तुम्हें मालूम है? इस धंधे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था साहब। कुछ भी नहीं मालूम? ठीक है, ये चांदी के स्मगलिंग का कारोबार बंद तो करना ही पड़ेगा। What nonsense? मेरी फैक्ट्री के केबल वायर्स में चांदी की स्मगलिंग? आप लोग क्या कह रहे हैं? सच कह रहे हैं हम, समझे? आनंद के तुम्हारी फैक्ट्री टेक ओवर करने पर दुनिया के सामने तुम्हारे सारे काले कारनामे आ जाएंगे, इसलिए तुमने आनंद को भी मार दिया। स्मगलिंग, काले कारनामे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। ड्रामा बंद करो, तुम जान गए थे कि तुम्हारी पोल खुल चुकी थी आशीष के सामने, इसलिए तुमने आशीष के घर में बॉम्ब फिट किया और उसके पीछे गुंडे भी लगा दिए थे। हाँ, अब ये बॉम्ब और गुंडे, आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं आपको पता है? चुप, ये कोई बकवास नहीं है, समझे? आशीष और आनंद, इन दोनों का खून किया है तुमने, खून। सर, ये रही बॉम्ब एनालिसिस की रिपोर्ट। एरोक्सिकोड ऑयल, डायनामाइट और गन पाउडर, इन तीनों चीजों से बना था ये बॉम्ब। पता लगाओ शहर में ऐसा बॉम्ब कौन कौन बनाते हैं और किसे बेचा था ये बॉम्ब।
मेरे अंदाजे से हम लोग सही जगह पे हैं। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आ गए? कैसे आ गए? ये क्या है? यहाँ पे तो मौत की दुकान खोल के रखी है तुमने। सर ये कुछ नहीं है सर, ये कौन लाया मुझे नहीं पता। तुम्हारे कहने का मतलब है ये सारा सामान तुम्हारे यहाँ पे कोई और छोड़ के गया है? सर ऐसे ही है, पता नहीं कौन आया कौन रख के चला गया सामान, कुछ भी नहीं है सर ये। एक हाथ पड़ेगा ना तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगेगा, समझा? तेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, ये बेकार का सामान है सर, कुछ नहीं है। सचिन जगह की तलाशी लो जल्दी। सर आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। रुक। सर देखिए आप फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, कुछ नहीं मिलेगा आपको सर। चुपचाप खड़े रहे। सर ये सब ऐसे ही फालतू सामान है। और ये क्या है? पैसों की चादर ओढ़ के सोया था क्या तू? पैसा कहाँ से है सर मुझे कुछ नहीं पता सर, सच कह रहा हूँ मैं। कहाँ से है? सर आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर सर, आप बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। देखिए देखिए सारा सामान मत बिखराइए सर, क्या कर रहे हैं आप लोग सर? अच्छा ये राइफल भी तुम्हारी नहीं होगी? सर ये राइफल मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, आज तक मैंने नहीं देखी इसको सर, माँ के साथ झूठ नहीं बोल रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा। हट, बोल क्यों मारा आनंद को? मैंने पैसों के लिए मारा है आनंद को सर, पैसों के लिए मारा। तोते की तरह मुंह खोला ना भी है? ये देखिए सर, ये सर ये देखिए बॉक्स छिपा के रखा हुआ था सर, ये कुछ नहीं इसमें, ये खाली है, अंदर कुछ नहीं है इसके। खोलो सर। खुलेगा कैसे? लिक्विड निकोटिन। सर ये लिक्विड निकोटिन पता नहीं कौन लाके सर, कौन कौन आता रहता है यहाँ पर, देखिए सामान पता नहीं कौन कौन रखे गए, ये भी कोई रख गया होगा इसी तरह, देखिए सब सामान बेकार है सब, ये ऐसे ही है कुछ। चुप। सर ये लगता है ब्यूरो में जाके बोलेगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इससे पहले कि सीआईडी यहाँ पहुंचे हमें अपना काम खत्म कर लेना है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाना नहीं खाया क्या? खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, चलो अब जेल की रोटियां तोड़ो। हमें माफ कर दिए साहब। चुप। तुम ही चार लोग थे ना जो जंगल से भागे थे, चांदी की स्मगलिंग करते हो वायर बनाकर? हमें छोड़ दिए साहब, हमने ये सब उसके कहने पे किया था। किसके कहने पे? कौन है तुम्हारा बॉस? बताइए ना सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? उस आदमी का नाम बताने के लिए जिसने तुम्हारे पति आनंद का खून किया। कौन है वो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। आनंद की मौत के बाद उसकी सारी दौलत, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब आपके नाम हो गई है ना? हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं? यही रितु जी कि आजकल पैसों की वजन के आगे रिश्तों का वजन थोड़ा कम पड़ता है। आप लोगों को ये लगता है कि मैंने आनंद को मरवाया? अब वैसे सुभाष जी आप तो आनंद से बहुत नफरत करते थे ना, इतनी नफरत कि दुनिया में ऐसी नफरत कोई करता ही नहीं। हाँ नफरत करता था मैं आनंद से, अगर कोई आदमी आपके साथ धोखा करेगा या आपकी सारी जिंदगी की मेहनत छीन लेगा तो क्या आप उससे नफरत नहीं करेंगे? इतनी नफरत कि उसका खून ही कर दे? मैं खुश हूँ कि आनंद को उसके कर्मों की सजा मिल गई, लेकिन मैंने उसे मरवाया नहीं है। सुभाष जी ने भी आनंद को नहीं मरवाया, रितु जी ने भी नहीं मरवाया, तो फिर वैभवी जी बचती तो आप है। मैं तो कुछ चाहती थी सर कि आनंद और सुभाष के बीच झगड़ा ना हो, सब कुछ प्यार से सुलझ जाए सर, मैं भला आनंद को क्यों मारूंगी? बहुत गड़बड़ हो गई सर, इन तीनों में से तो किसी ने नहीं मारा आनंद को, तो फिर अब फांसी पे किसे चढ़ाएंगे? वही तो, अब क्या करे दया। तीनों के नाम की पर्ची लिख देते सर, जिसके नाम की पर्ची खुलेगी वो। ये आपका इंस्पेक्टर होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है ये? मतलब एक पर्ची के बलबूते पर आप किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा देंगे? सीआईडी कभी किसी निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ाती, समझे आप? सचिन आओ। जतिन, जतिन बताओ किसने दिए थे पैसे आनंद को मारने के लिए, बताओ जल्दी।
सॉरी मैडम। बेवकूफ, मना किया था ना तुझे सीआईडी के सामने कुछ मत बोलना, अब तो तुक गया। तुमने मारा मेरे पति को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे कोई शौक नहीं था आनंद को मार के तुम्हें विधवा बनाने का। तब वो मेरी स्मगलिंग के बीच में आता और ना उसे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता। वाह, अपना एक गुनाह कायम रखने के लिए तुमने दूसरा गुनाह किया। लेकिन भाई बोभी, तुम एक भूल गई कि हर गुनाह का अंजाम बुरा ही होता। मेरी पीठ पीछे तुम केबल्स में चांदी की स्मगलिंग करवाती रही और मुझे पता भी नहीं चला। पिट्टी में मिला के रख दिया तुमने मेरा और मेरी कंपनी का नाम। तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से चलती थी। अरे तुम तो सारा दिन शराब के नशे में धुत रहते थे, किसी बात का होश भी था तुम्हें? शराब ही पीता हूँ ना, तुम्हारी तरह स्मगलिंग और खून तो नहीं करता। अरे बेवकूफ हो तुम। अरे परफेक्ट प्लान था मेरा, आनंद मर जाता और तुम जेल चले जाते, लेकिन इन लोगों ने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। पकड़ लिया मुझे, आखिर पहुंच ही गए मुझ तक। बहुत कोशिश की तुमने हमें गुमराह करने की, बहुत कोशिश की तुमने ना पकड़े जाने की। वो दमदम बुलेट, वो लिक्विड निकोटीन और न जाने क्या क्या, मगर तुम्हारी असलियत तो सामने आ ही गई। अब जेल में बैठकर रोज नए प्लान्स बनाना, शायद तुम्हें फांसी ही होकर रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।